नमस्कार दोस्तों, नॉलेज घनु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूँ मैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपको कोई भी टाइप की प्लांट लगाए। मैं स्पेशल लेके आया हूँ आटा प्लांट के लिए। लगाएं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर की रिक्वायरमेंट हो, वो आप कितने HP का लें और कौन से हॉर्स पावर का लें, कौन सा कंपनी का लें जिससे लॉन्ग लास्ट करें आपका, और उसके लिए कितने RPM का ले मोटर्स, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन करने वाला ले, ताकि अगर आपको पता चले कि आपका प्लांट छोटा है और आप बड़ा मोटर ले लिए तो वहाँ से भी आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और अगर चक्की का बात करो तो कितने इंच की चक्की में कौन सा HP का आप मोटर लगाएं, तो ये सारे बातों के ऊपर, और कोई भी टाइप का फैक्ट्री अगर आप लगा रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे से संपर्क करें, या तो आपको किस टाइप का और कहाँ से मोटर लेना है, सेकेंड हैंड मोटर, वो भी बहुत ही लो रेट में और जेन्युइन प्राइस में और बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, तो सारे के बारे में अभी मैं बात करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर सेकेंड हैंड मोटर की बात करूँ मैं, तो 3-phase मोटर्स सेकेंड हैंड, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आपको, तो 3 HP से लेकर और अप टू लास्ट तक स्टार्ट होता है, जितना HP तक आप ले सकते हैं 3-phase कनेक्शंस वाली मोटर। तो ये सारे मोटर सेकेंड हैंड अवेलेबल हैं। ये कहाँ से आते हैं तो आपको मैं एक थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा दोस्तों। ये क्या करते हैं कि बहुत सारे जो मर्चेंट शिप होते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े शिप होते हैं, वो सब जब डिकमीशंस होते हैं, कहने के मतलब उसमें जब उसको हटाते हैं, कहने मतलब उसको जब हटाते हैं, कहेंगे उसको जब कटिंग करते हैं, वो बिल्कुल ही यूजलेस हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे लाखों की संख्या में मोटर फिट होते हैं, बहुत टाइप के अलग अलग इक्विपमेंट को रन करने के लिए अलग अलग मोटर्स सेट होते हैं, तो सारे के सारे बहुत हाई क्वालिटी की मोटर होते हैं। तो उसमें क्या है कि आप इजिली वहाँ से वो लोग इकट्ठा करते हैं और वहाँ से शॉपकीपर और जो स्टोकर्स होते हैं, मोटर स्टोकर्स, वो लोग लेकर और अपना सेलिंग करते हैं। तो मैं 100% आपको राय दूंगा कि वहाँ से आप मोटर खरीदें, ताकि आपको बहुत ही जेन्युइन प्राइस में बहुत ही हाई क्वालिटी और कंपनी मिल जाए आपको, और आपका लो इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस कोई भी, या तो कोई भी प्लांट स्टार्ट करना चाहते हैं तो हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आटा प्लांट के लिए कौन सा आप कितने प्लांट लगा रहे हो, तो कितने HP तक का मोटर उसमें चाहिए, और चक्की में कितने HP तक। तो दोस्तों मैं बात करूँ, जो मेरा प्लांट है, तो मेरा प्लांट है 40 HP का, वो बहुत ही माने उतना हाई लेवल का नहीं है, बट मैं बात करूँ, मेरा ऑटोमेटिक कंपनी है फ्लावर मिल बिजनेस का, तो उसमें मैंने 40 HP का टोटल लगाया, जिसमें से 5 टाइप की मोटर की रिक्वायरमेंट पड़ी है, जिसमें 3 HP, 5 HP, 7 HP और 15 HP तक का उसमें अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर गांव घर में आप चक्की सेट करना चाहते हैं तो उसमें उस चक्की में कितने HP तक का मोटर लगेगा। तो 14 इंच का अगर चक्की ले रहे हैं आप, तो उसमें 7 HP 3-phase 1400 RPM से लेकर 960 RPM तक आप खरीद सकते हैं इजीली, जिसको बहुत ही इजीली आसानी से रन कर देगा और चक्की अच्छे क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट पीस कर दे देगा। अगर 18 इंच का ले रहे हैं तो उसमें 10 HP का लीजिए, ताकि आपका लोड बहुत ही आसानी से ले और मैक्सिमम क्वांटिटी आपको प्रोवाइड करे पीसने के बाद। 3-phase इसका भी लेना पड़ेगा, 1400 RPM भी चलेगा और 960 RPM चलेगा। 22 HP का अगर बात करें तो दोस्तों, अगर चलाने के लिए तो इसमें 10 HP का भी मोटर चल जाते हैं, लेकिन मैं गाइड करूंगा आपको और सलाह दूंगा कि 15 HP का मोटर आप ले। 3-phase 1400 RPM या 960 RPM दोनों अवेलेबल इसमें हो सकते हैं, और दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि बहुत ही अच्छा आपको क्वांटिटी ज़्यादा पिसाई करके देंगे, और हाई क्वालिटी माल आपको पिसाई करने के बाद निकलेगा, और लोड बहुत ही इजीली आसानी से अपना ले पाएंगे। तो दोस्तों मैं सारे बातें बता रहा हूँ, अगर मोटर सेकेंड हैंड लेना है आपको, तो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप नियर बाई अपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उस स्टेट में, उसमें पता कीजिए आपके बहुत, अगर बड़े बड़े स्टेट हैं डिस्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ से आपको बहुत ही इजीली और कम भावों में बहुत सारे स्टॉकर्स हैं मोटर के आजकल मार्केट में, जो आपको अवेलेबल करवा देंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर मोटर आपको अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरे से आप संपर्क करें, जितनी भी मोटर की रिक्वायरमेंट हो पड़ेगी, जैसे कि मैं लगाया हूँ 40 HP तक का मोटर मैंने लिया हूँ, और वो भी सेकेंड हैंड, और आज तक 3 साल से मेरा कंपनी रन हो रहा है और उसमें कहीं भी कोई भी फॉल्ट नहीं आया है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सेकेंड हैंड मोटर लीजिए आप, और अपना कोई भी टाइप का कंपनी, नॉट ओनली फ्लावर मिल या आटा चक्की बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं, कोई भी टाइप का लीजिए, अगर आप संपर्क कीजिए मोटर के लिए मेरे से, तो मैं बहुत ही आसानी तरीके से आपको सेकेंड हैंड मोटर भी लगा दूंगा, और कोई भी उसका मेरा कोई कमीशंस नहीं रहेगा, आपको बात करवा दूंगा, या तो मैं बात करके आपके लिए प्रोवाइड करवा सकता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे देश के लोग जितने भी हो सके मेरे से कनेक्ट हो, और मैं
और जिस टाइप का बिजनेस मैं कर रहा हूँ, अगर इस टाइप के बिजनेस हमारे लोग देश वाले करना चाहते हैं और उसमें रुचि रखते हैं, तो उनको बहुत ही अपने फेलियर का सामना नहीं करना पड़े। कहने का मतलब, मैंने आज से 3 साल पहले जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, मिनिमम मेरे को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और कोई भी सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से कम 7 से 8 लाख रुपया मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया है, जो कि यूजलेस है। काफ़ी सारी मशीनें मेरे पास खरीद रखे हैं और उसकी कोई भी यूजेस नहीं आते हैं, बाद में क्या है कि वो यूजलेस हो जाते हैं। तो मैंने सलाह दूंगा आपको कि अगर आप सही तरीका से और सही लोगों से संपर्क करें तो आपको लॉसेस का सामना नहीं करना पड़े और आपको बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आपका अच्छे खासे बिजनेस स्टार्ट कर ले। तो दोस्तों, कोई भी प्लांट लगाना चाहते हैं उसके लिए मोटर की रिक्वायरमेंट पड़े, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, या तो जैसे कि मैं पहले वीडियो में बताया वैसे आप जाके संपर्क कीजिए कोई भी नियर बाई अपने टाउन में, स्टेट में, और सेकेंड हैंड मोटर स्टॉकर्स के पास बात कीजिए और आप मोटर ले लीजिए बहुत ही अच्छे प्राइस में। मिनिमम वो 6 महीने से 1 साल का गारंटी देते ही हैं आजकल, क्योंकि मेरा जितने भी मोटर था उसमें सारे के 6 महीना गारंटी मिला था और बहुत ही हाई क्वालिटी के मोटर रहते हैं, क्योंकि वो जो मर्चेंट शिप रहते हैं ना, वो कोई टेम्प्रोरी नॉर्मल क्वालिटी का अगर मोटर लगा देंगे ना उसमें, तो 10 दिन भी नहीं चलता है। और आप लोगों को पता है कि मर्चेंट शिप का क्या यूज आता है और उसमें क्या उसका पर्पस होता है, तो उसमें बहुत ही हाई क्वालिटी के मोटर सेट होते हैं और वहाँ से सारे के सारे सेकेंड हैंड मोटर रिमूव करके रखते हैं और बहुत ही जेन्युइन प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी साथ में जरूर कर दीजिएगा 100%। मैं इस टाइप का 100 बहुत सारे स्पेशल, मेरा तो ऐसे फ्लावर मिल बिजनेस है, बाकी मैं चाहूँगा कि अपने देशवासियों को जो हमारे देश में बिजनेस करने की रुचि रखते हैं उनको मैं मैक्सिमम अपना गाइडेंस और जो भी मेरे पास प्रॉब्लमें आई है और सोल्यूशन है उनका, उनको सामना करने के लिए मौका नहीं मिले। सो थैंक यू सो मच।